मैं हूँ वर्षा और आप देख रहे हैं दी वर्षु स्टाइल्स। और हाँ जी, पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लर दिखाया गया है क्योंकि थोड़ा सा मैसी सा हो रखा है। और मैं अभी जस्ट ऑफिस से आई हूँ और मेरे 2-3 पार्सल आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलिए जल्दी जल्दी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और इसलिए मैं कोई तैयार शेयर नहीं हो रखी हूँ, नॉर्मल जस्ट ऐसे ही रात के कपड़ों में पहनकर मैं वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा अवॉइड करा जाए। तो चलिए जल्दी से दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगाया है। सबसे पहले है ये शू कवर्स। तो मेरे जो जूते हैं और सैंडल्स हैं वो सब ऐसे ही पन्नियों में बंद बंद के गांठे लग लग के पड़ी हुई हैं, कोई ऊपर कोई नीचे किसी कोने में। तो मैंने उसके लिए ये मंगाए हैं शू कवर। और कपिल के भी जो शूज हैं वो भी मैं उनको धोती हूँ, वो फिर रख देते हैं, फिर वो गंदे हो जाते हैं मिट्टी में, इसलिए उनको सेफली रखने के लिए मैंने मंगाए हैं मीशो से ये शू कवर। और ये सीरियसली बहुत अच्छे शू कवर हैं, इनमें आप सेफली रख सकते हैं अपने शूज। और यहाँ एक ट्रांसपेरेंसी एक पन्नी लगी हुई है यहाँ पर, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा शूज कौन से के अंदर है, उसका कलर जो भी है शूज कौन सा है वो पता चल जाएगा। और ये सच में बहुत सीरियसली अच्छा है। और ये कुछ इस तरीके से है, इतना बड़ा है कि इसमें 9 नंबर तक का जूता 10 नंबर तक का जूता जा सकता है आराम से। और यहाँ से कुछ तरीके से ओपन है, ओपन करने के बाद। और यहाँ पे ये दो टाई करने के लिए, आप अपने शूज सैंडल्स जूते जो मर्जी डालना है डाल के इसको फिर आप ऐसे पैक कर सकते हो। पैक करने के बाद उसके बाद आप इसको नॉर्मली रख दीजिए। और ये हम बाहर भी कहीं जाते हैं तो ये लेकर जा सकते हैं, अच्छे से अपने शूज सैंडल्स वगैरह अलग से कैरी करके इसमें रख के लेकर जा सकते हैं। तो ये है शू कवर, सबसे पहले मैंने ये मंगाए हैं मीशो से। और आपको जो भी प्रोडक्ट अच्छा लगे और अगर आपको कुछ लेना हो तो प्लीज कमेंट में लिंक लिख दीजिएगा, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से मंगा सकते हैं। देन नेक्स्ट मैंने क्या मंगाया है, देन नेक्स्ट मैंने एक ज्वेलरी मंगाई थी मीशो से और वो कुछ इस तरीके से एक बॉक्स में आती है। देन ओपन करने के बाद ये कुछ ऐसे निकलती है, ये है इसका नेक पीस कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इसके मोती लगे हुए हैं इधर, और ये कुछ इस तरीके से है नेक पीस पूरा। देखने में तो ये सुंदर लग रहा है और मतलब आपको भी सुंदर लग रहा होगा यहाँ से, पर वैसे ही अच्छा है नहीं क्योंकि इसकी जो फिनिशिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है। जो मुझे रिसीव हुआ उसका तो ये हाल है, क्या पता आप लोग मंगाओ तो आपका अच्छा निकल आए, पर इसकी जो फेविकॉल है या जिससे भी ये जो इसके ये मोती से जो भी हैं ये चिपकाए हुए हैं ये सब इसमें लगे हुए हैं फेविकॉल वगैरह इसकी गोंद जो है, तो ये बिल्कुल भी थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा है, देखने में भी थोड़ा पुराना पुराना सा लग रहा है। तो ये इसका नेक पीस था। और इसके जो इयर रिंग्स थे वो मैं दिखाती हूँ, वो भी बहुत छोटे छोटे थे, ऐसे प्यारे हैं। ये नेक पीस बहुत प्यारा है लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये नहीं अच्छा आया तो इसको वापस करना पड़ेगा मुझे। और ये छोटे छोटे से इसके ये हैं कानों के, कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं यहाँ साइड में मैंने ये लगा दिया, आप देख सकते हो कि कैसा लग रहा है। मैं नॉर्मली टी शर्ट के ऊपर पहन के दिखाया है तो प्लीज आप अंदाजा लगा लेना कि ये कैसा लगेगा। ये है इसका नेक पीस, ये है इसके कानों के। वैसे तो नॉर्मली अच्छा है, आप नॉर्मली मंगा, क्या पता आपका अच्छा निकल जाए, मेरा अच्छा नहीं निकला है, गंदा मतलब फेविकॉल लगी हुई है इस पे। तो अगर आपको ये भी लेना हो तो प्लीज नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इनका लिंक दे दूंगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को दी वर्षु स्टाइल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।